सागर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह धड़ल्ले से चोरियों की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब पुलिस रात के वक्त सोती रहती है और चोर चोरियों की वारदातों को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। ऐसा ही एक और चोरी का सनसनीखेज मामला सागर जिले की रहली विधानसभा के चांदपुर से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ही रात में 7 दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पहले चाय की दुकान में घुसे, वहां से पैसे, होम थिएटर, बीड़ी, माचिस और राशि लेकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद ऑटो पार्ट्स की दुकान से पाना लीबर ले गए और वहीं अन्य दुकानों से नगदी और सामान भी लेकर वहां से 9-2-11 हो गए। चोरों ने क्षेत्र के मुन्ना साहू, संजीव कुर्मी, पूरन पटेल, रामू रेकवार, भरत रेकवार, डम्मू कुर्मी की दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह एक दूसरी दुकान है संजय के बाद। आपका नाम क्या है? पूरन लाल पटेल। क्या क्या आपकी दुकान से चोरी हुआ? कोई 10-12 पाने गए। अच्छा, 10-12 पाने। ये रही चोरी की तीसरी दुकान। ये छोटी सी दुकान है, एक चाय संचालक है। नाम क्या है आपका? देवेंद्र कुर्मी। क्या क्या आपकी दुकान से चोरी हुआ? तुम्हारी दुकान में से पैसा हो गया चोरी। और का नाम है तुम्हारा? माधव रेकवार। चोरी हो गई दुकान? हाँ। कब हुई? रात आई मोबाइल। क्या क्या चोरी गया? 3,000 रुपया दे डिब्बा में, और होम थिएटर रखो तू 3,500 रुपया को। दुकान देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी दुकान की कोई चोरी हुई। डिब्बा पैसा रखी थी और होम थिएटर रखो तू। वारदात में एक ही रात में लगातार 7 दुकानों पर चोरों का हाथ साफ करने से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या रात के वक्त पुलिस गश्त के दौरान सोती रहती है और चोर ऐसे ही चोरियों की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। अब पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में कब तक सफलता हाथ लगती है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। चांदपुर से नीलेश कुमार सेन, सागर एक्सप्रेस न्यूज।